आपका स्वागत है हमारे चैनल रीड्स फॉर यू में। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंक सॉस पास्ता बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक डीप बर्तन में बहुत सारा पानी ले लिया है, उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक। इसे उबाला आने देंगे। उबाला आ चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम के करीब पास्ता। इसको 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसको हमें 80% तक ही कुक करना है। 80% कुक होके इसका पानी ड्रेन कर देंगे। एक पैन ले लिया है यहाँ पे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। एक बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर, दोनों को मिक्स कर देंगे। बटर मेल्ट कर देंगे। ये बटर मेल्ट हो चुका है। इस तरह के 2 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा। आंच को हमने स्लो पे रखा है। अब इसे 5 मिनट तक कंटिन्यू चलाते जाएंगे, इसे छोड़ना नहीं है। ये हमारा मैदा भुन चुका है, इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 200 ml तक दूध डाल देंगे और साथ में चलाते भी जाएंगे ताकि हमारे लम्स ना बने। इस तरह चलाते ही जाना है। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़े से कैप्सिकम डाल रहे हैं, एकदम बारीक कटे हुए। यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑरेगेनो का, और ये डाल रहे हैं पेरी पेरी मसाला 2 चम्मच। इससे हमारी सॉस का कलर जो है वो एकदम पिंक हो जाएगा। ये देखिए सॉस में कोई भी लम्स नहीं है। सबको मिक्स कर लेंगे। आंच को हमने कम पे ही रखा है। ये हमारी सॉस एकदम रेडी हो गई। अब इसमें ऐड कर लेंगे पास्ता। और सिर्फ 2 मिनट फास्ट आंच पे इसको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, हमारा एकदम बराबर है। ये रेडी हो गए हमारे पास्ता। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।